Sadhguru's Isha Foundation is under scrutiny once again. Recently, 2nd October को Coimbatore के 150 पुलिस ऑफिसर्स ने Isha Yoga Center के Thondamuthur में बने आश्रम में एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया on the orders of Madras High Court. Let's understand the recent allegations over Isha Foundation and the present scenario. Coimbatore के एक retired professor Dr. S. Kamaraj ने Madras High Court में एक writ petition file की, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि उनकी दो डॉटर्स गीता कामराज एंड लता कामराज को जबरदस्ती उनके विल के अगेंस्ट Isha Yoga Foundation सेंटर में रखा गया है। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है और मॉन्क्स बनने के लिए एनकरेज किया जाता है। इसी के साथ उन लोगों के पेरेंट्स से भी हर टाइप का कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दिया जाता है। जस्टिस एस एम सुब्रमण्यम ने ये क्वेश्चन किया कि सदगुरु, जिनका रियल नेम है जग्गी वासुदेव, क्यों वो बाकी फीमेल्स को एनकरेज करते हैं कि वो अपने हेड्स शेव कर लें और मॉन्क्स बन जाएं, जबकि उनकी खुद की बेटी मैरिड है और वेल सेटल्ड है। द पॉइंट इज कि उन दोनों ही डॉटर्स ने कोर्ट के सामने ये स्टेटमेंट दिया है कि वो वहाँ अपनी मर्जी से रह रही हैं और उनके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की गई है। बट द कोर्ट वॉजंट वेरी कन्विंस्ड। कोर्ट ने दोनों फीमेल से ये क्वेश्चन किया कि क्यों वो अपने पेरेंट्स को निग्लेक्ट कर रही हैं, और अगर वो स्पिरिचुअल पाथ पर भी हैं, तो इस जर्नी में पीपल हैव लव फॉर अदर्स एंड हेट फॉर नन। लेकिन उन दोनों ही डॉटर्स के मन में अपने पेरेंट्स के लिए काफी हेट्रेड है और वो उन्हें इवन रिस्पेक्टफुली एड्रेस भी नहीं कर रही हैं। जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को ये डायरेक्शन दी कि Isha Foundation के अगेंस्ट जितने भी क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं, उन सब पर एक रिपोर्ट सबमिट की जाए, और इसी के साथ पुलिस को इंक्वायरी के ऑर्डर्स दिए, जिसके बाद ये सारा सर्च ऑपरेशन कैरी आउट किया गया। सर्च ऑपरेशन के रिस्पांस में Isha Foundation ने एक स्टेटमेंट इशू किया कि ये सब सिर्फ एक जनरल इंक्वायरी है एज पर द कोर्ट ऑर्डर्स। इस सब के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के बेंच ने ये केस खुद के पास ट्रांसफर कर लिया और पुलिस के किसी भी तरह के फर्दर एक्शन को रिस्ट्रेन किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्शंस दी कि जो स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट को सबमिट की जानी थी, अब वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को सबमिट की जाए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फीमेल्स के साथ ऑनलाइन इंटरेक्ट किया और इस बार भी उन्होंने सेम ही स्टेटमेंट दिया कि उनके ऊपर किसी भी तरह का मेंटल या साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं है, और इनफैक्ट उनके फादर पिछले 8 साल से उन्हें इस तरह से हरास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सेड कि आप इस तरह से आर्मी या पुलिस को किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं भेज सकते हो। नाउ दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि Isha Foundation पर ऐसे कुछ एलिगेशंस लगे हैं। पास्ट में भी ऐसे मल्टीपल एलिगेशंस लगाए गए हैं, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्टेड एरियाज में आश्रम बनाना या रूल्स को ब्रेक करना एटसेट्रा। सो वॉज दिस ऑल अ प्लान टू डाउन रोड इन द रेपुटेशन ऑफ Isha Foundation, और इज देयर एक्चुअली समथिंग फिशी गोइंग ऑन देयर? What do you think about all of this? Do let me know in the comment section, and for more such informative content, keep following.